आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी कैसे IFMS पोर्टल से अपनी पे स्लिप, अपनी एनुअल पे स्लिप या फिर अपनी प्रोफाइल डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि फॉरगेट पासवर्ड से जैसे आप अपना पासवर्ड रिकवर करते हैं, उस पासवर्ड से आप अपनी डिटेल चेक नहीं कर पाएंगे। तो अपनी पे स्लिप और प्रोफाइल डिटेल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पासवर्ड बनवाना होगा और हमारा पासवर्ड बनेगा हमारे DDO से। DDO अर्थात जो BO ऑफिस होगा वही आपका DDO होगा, तो आपको BO कार्यालय से अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। DDO से पासवर्ड रिसेट करने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। DDO जैसे ही अपने IFMS पोर्टल पर लॉगिन होते हैं, इसमें फर्स्ट में एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा एडमिन का। अब एडमिन में हम देखेंगे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ सब ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन रिसेट और जनरेट पासवर्ड का आता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एक बॉक्स ओपन होगा जहां पर हमें एम्प्लॉय कोड फिल करना होगा। जैसे हम कर्मचारी का यहां पर एम्प्लॉय कोड फिल करेंगे और इसके पश्चात हमें यहां पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट यूजर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहां पर एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी कि एम्प्लॉय का नाम क्या है और DDO का नाम। इसके पश्चात रिसेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी का पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब कर्मचारी का पासवर्ड जनरेट हो जाने के उपरांत हमें किसी भी ब्राउजर में, अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में IFMS पोर्टल को ओपन करना है। IFMS पोर्टल को ओपन करने के लिए वही प्रक्रिया, आपको गूगल पर सर्च करना है IFMS, इतना टाइप करने के पश्चात इसे एंटर कर दीजिए और फर्स्ट में ही ऑप्शन हमें दिखाई देगा mptreasury.gov.in साइबर ट्रेजरी, इस पर हमें क्लिक करके इसे ओपन करना है। ओपन करने पर यहाँ पर लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर यूजर आईडी, हमें एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय कोड है वो फिल करना होगा और इसके पश्चात DDO से जो पासवर्ड जनरेट हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके पश्चात कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के पश्चात जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तब एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पर ऑप्शन आएंगे ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड में DDO के द्वारा जो जनरेट पासवर्ड है उसको आपको फिल करना है और न्यू पासवर्ड जो आपको अपना पासवर्ड बनाना हो वो आप उसमें फिल कर देंगे। क्योंकि हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के पश्चात हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड से जब लॉगिन होते हैं तब सेम इस प्रकार का ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर HRMIS होम, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन, जैसे नियमित कर्मचारी के ऑप्शन ओपन होते हैं वैसे ही यहाँ पर सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी एम्प्लॉय प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, एड्रेस डिटेल चेंज कर सकते हैं, फैमिली डिटेल देख सकते हैं, नॉमिनी डिटेल देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको एनुअल सैलरी स्टेटमेंट देखना है तो लास्ट में एक ऑप्शन देख रहे हैं एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात फाइनेंशियल ईयर के आधार पर वेतन स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और इस पर क्लिक करने के पश्चात जनरेट रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि कर्मचारी की सारी डिटेल ओपन हो चुकी है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि आपको बाउचर नंबर भी मिल जाते हैं और बाउचर की डेट भी मिल जाती है। जैसे आप अपनी NPS की पासबुक यदि संधारित करते हो तब उसमें इन एंट्रियों को फिल करना होता है। तो इस प्रकार नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी अपनी पे स्लिप, अपनी एनुअल पे स्लिप या फिर अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने DDO से पासवर्ड क्रिएट कराना होगा। तो ये थी IFMS पोर्टल से अपना सैलरी स्टेटमेंट, अपनी प्रोफाइल चेक करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।